अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कलेजी मसाला। जी हाँ, हम मटन कलेजी मसाला बनाएंगे, मतलब के बकरे के कलेजी का मसाला बनाएंगे। बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत कम सामान की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमने लिया है ये लगभग 750 ग्राम यानी कि 1.25 किलो कलेजी है। साथ में हमने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने पीस लिया है, धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, मोटे मसालों में दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, नमक और थोड़ी सी लेंगे हम हल्दी। और इसे पकाने के लिए हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल। तो अब मैं इसे आपको पकाने की प्रोसेसिंग बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमने अपना तेल गर्म कर लिया है सरसों का। इसे ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो ये कच्चा रह जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलने लगा है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे मोटे मसाले हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग। और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी कलेजी है। कलेजी में हमने थोड़ी सी गुर्दे वाली चर्बी भी ली है, इसीलिए हमने इसमें तेल थोड़ा ऐड किया है, क्योंकि चर्बी अपना रोगन छोड़ेगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे नीचे फ्लेम को लो कर देंगे और अपनी कलेजी को इसमें ऐड कर देंगे। और इसे चला लेंगे हम, कलर चेंज होने तक हम इसे इसमें पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर इसका चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी प्याज है। ये देखिए प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है और इसे प्याज के साथ हम भून लेंगे लगभग 5 मिनट तक। लहसुन और अदरक हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्मेल होती है, गुर्दों की अपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसलिए हम इसमें लहसुन और अदरक नहीं ऐड करेंगे। इसे प्याज के साथ भून लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे प्याज के साथ भून लिया है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा हल्दी पाउडर है, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बीच में जाएगा नमक। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम अपने मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुर्दे हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने ऑयल सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये बकरे की कलेजी है, इसलिए इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम इसका लिड बंद कर देंगे और इसे पूरे अच्छे तरह से टेंडर हो जाने तक पका लेंगे। कलेजी हमारी बन चुकी है, इसकी गैस हमने नेचुरली रिलीज कर ली थी। अब हम नीचे इसका फ्लेम ऑन करेंगे और मसाले को भून लेंगे इसका ऑयल रिलीज हो जाने तक। हम इसे भून लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल सेपरेट हो चुका है, कलेजी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना भी आप अगर भुना हुआ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड ना करें, अगर थोड़ा सा शोरबेदार खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें, जैसे मैंने किया है। अब मैं इसमें एक खदका लगाऊँगी और उसके बाद में इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा गर्मा गर्म मटन कलेजी मसाला। अब हम इसे थोड़े से हरे धनिया से गार्निश करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब आप इसे गर्मा गर्म अपने दस्तरखान पर, डाइनिंग टेबल पर सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी बना है, बहुत आपने देखा होगा कितने कम सामान से बन गया, उन सामान से जो हमारे घर में बेसिकली मौजूद रहते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें बताइए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और उसकी साइड में लगे बेल आइकन के बटन को बिल्कुल भी टैप करना ना भूलें। उसे दबाने से मेरी जो भी रेसिपी मैं नई डालूंगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो तब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।